ए टू जेड गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करें। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग होता है स्प्लिट करके राइट करना। ओके, विस्तार रूप से समझाना। कोई भी हमें वैल्यू गिवन है, जैसे 3, 4, 5, 6, अभी हमें वैल्यू गिवन है, बट हमें इसकी एक्सपेंडेड एक्सप्लेन करके राइट करना है। ओके, विस्तार, किसी भी चीज को विस्तार रूप से समझाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस, अब हमें 3, 4, 5, 6 ये डिजिट दे दिए, 4 digits। तो अब हमें इसकी, हम जब तक हमें इनके एक्सपेंडेड, जब तक हमें इनकी प्लेस के बारे में नहीं पता लगेगा, प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं, कौन सी डिजिट किसके प्लेस पर है, तब तक हम एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, अब जो ये हमारा है 6, 6 हमारा वंस की प्लेस पे है। ओके, देन वंस की प्लेस पे हम 6 राइट कर देंगे। 5, 5 टेंस की प्लेस पे है। ओके, 5 टेंस की प्लेस पर है। एंड देन 4, 4 100 की प्लेस पर है। ओके, एंड 3, 3000 की प्लेस पर है। ओके, यस, अब 1000 में हमारी कितनी जीरोस लगती है, अगर 1000 को निकालें, 1000 की वैल्यू, तो 1000, 3 0 राइट करते हैं हम 1000 में। तो अब हमें इनको एक्सप्लेन करके राइट करना है, विस्तार रूप से समझाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। यस, अब 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1000 से कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, यस 3000। ओके, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000। ओके, एंड टेंस, अभी टेंस 100 जो है 104 की प्लेस पर है। ओके, यस, तो अब 100 में कितनी जीरो लगती है, हाउ मेनी जीरोस इज 100, 2 zeros राइट होती है। ऐसे हमें सेम करना है। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो देन आंसर 400। ओके, यस, एंड टेंस, टेंस की प्लेस पर क्या है, 5। अब हम टेंस की वैल्यू, टेंस की, टेंस में हमारी 2 digits राइट होती है। अब हमें टेंस की प्लेस पे क्या दिया, गिवन है 5। ओके, 5 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 5 की, एंड 50। ओके, एंड वंस, वंस पे तो सिंगल डिजिट ही राइट होती है। ओके, यस, तो 1 हम सिंगल राइट करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, तो देन हमारा 6 ही आएगा। ओके, ये होता है एक्सप्लेन करके राइट करना, विस्तार रूप से राइट करना। ओके, 3000 की, 3000, 4 की प्लेस वैल्यू 400, एंड 5 की प्लेस वैल्यू 50, एंड 6 की प्लेस वैल्यू 6। ओके, ये सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उनकी प्लेसेस का पता होना चाहिए। जैसे 1000 की प्लेस पर 3 है, 100 की प्लेस पर 4 है, एंड 10 की प्लेस पर 5, एंड 1 की प्लेस पर 6। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक से भी एक्सपेंडेड फॉर्म नेक्स्ट टॉपिक से समझाती हूँ मैं आपको। यस, अब हमें इसमें दूसरा टॉपिक यूज करेंगे कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म दूसरे तरीके से कैसे राइट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन से हमारा 3, 4, 9, 2। ओके, ये हमें एक डिजिट दे दी गई है। सबसे पहले आपको इनकी प्लेसेस राइट करनी है कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पर है। ओके, 2, 1, 10, 100, 1000। तो 2 हमारा वंस की प्लेस पर है, यस, वंस की प्लेस पर है, एंड 9, ओके, 9 हमारा टेंस की प्लेस पर है, यस, वंस, टेंस, 100। जो 4 हमारा है वो किसकी प्लेस पर है, वो 100 की प्लेस पर है, यस, 100 की प्लेस पर है। ओके, एंड 1, 10, 100, 1000। जो 3 से हमारा 1000 की प्लेस पर है, यस, ओके, अब हमें इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है इसकी। मतलब मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कि विस्तार रूप से स्प्लिट करके राइट करना। ओके, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। यस, ये सेकंड मेथड है।
एंड वर्ब्स की प्लेस पे तो हमारा सिंगल टू राइट कर देंगे हम, ओके। एंड ये टेंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे ऑलवेज टू डिजिट आते हैं, वांट्स एंड टेंस, ओके। तो सो दैट हम नाइन राइट करेंगे, नाइन के आगे कितनी प्लेसेस है, ओनली वन प्लेसेस है, तो हम 10 राइट कर देंगे, ओके। सिंपल एंड इजी मेथड है बच्चों के लिए। देन 100, 100 हमारी 4 की प्लेसेस पे है, तो हम 4 राइट कर देंगे। देन 100 के आगे कितनी प्लेसेस है, 10 और 1, 2 प्लेसेस है, तो हम 20 राइट कर देंगे, ओके। यस, अब हमें 3 की प्लेस वैल्यू राइट करनी है, ओके। 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 राइट कर देंगे। अब आपको देखना ये है कि 3 के आगे कितनी प्लेसेस है, 1, 2, 3, 100, 10, 1, 3 प्लेसेस है, तो सिंपल 30 राइट कर देंगे, यस, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी मैं आपके लिए क्लास 4 का, ओके ओके, बाय बाय।